खबर रायपुर से आपको बता दें तो इस बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां 13 मई से कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू होना है। बता दें रायपुर से बड़ी खबर, चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ से 4 नेताओं को निमंत्रण मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव इसमें शामिल हो रहे हैं। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, प्रभारी सप्तगिरि उल्का भी इसमें शिरकत करेंगे। चिंतन शिविर शुरू हो रहा है उदयपुर में, 13 से 15 मई तक होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें कांग्रेस का चिंतन शिविर अब राजस्थान में शुरू होने वाला है, राजस्थान की सियासत में सरगर्मियां तेज हो जाएंगी कांग्रेस से। 4 बड़े नामों का ऐलान किया गया है, कौन कौन वो नाम है और कब से क्या कुछ खास कवायद इसमें शुरू रहेगी? आज देखिए, कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक होना है और इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल होने के लिए 4 नेताओं को निमंत्रण मिला है। एआईसीसी की तरफ से जो निर्देश मिले हैं उसमें सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का नाम शामिल है और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो कृषि समिति बनाई गई है उसके सदस्य भी हैं और इसके अलावा जो एआईसीसी प्रभारी हैं सप्तगिरि उल्का, उनका नाम सूची में शामिल है। तो ये चारों नेताओं छत्तीसगढ़ से शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ की बात जो है वो चिंतन शिविर में रखेंगे, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है संगठन को मजबूत करने के लिए उसको लेकर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा और अन्य मसलों पर अलग अलग समितियां बनाई गई है, कृषि की समिति अलग है, इसके साथ ही कांग्रेस संगठन को किस तरह पूरे देश में मजबूत किया जा सकता है, तो ये अलग अलग समितियां हैं। तो ये 3 दिनों का चिंतन शिविर है जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए जो है कवायद रहेगी और इसमें छत्तीसगढ़ से 4 नेता शामिल रहेंगे। जी, तो संगठन को मजबूत करने की कवायद अब तेज होती हुई नजर आएगी। स्वप्निल, ये भी है कि आने वाले दिनों में 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर, उसके बाद बीजेपी एक हफ्ते बाद चिंतन शिविर करने जा रही है, तो हो सकता है कि 2023 के लिहाज से अगर हम समझें तो एक रणनीति तैयार करने की कोशिश दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टियां लगातार करती हुई नजर आई हैं। इसमें किस तरह की कवायद और रणनीति तैयार होगी कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, जो चिंतन शिविर है उसमें कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर फोकस तो रहेगा ही, साथ ही जो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को किस तरह मजबूती प्रदान की जा सकती है निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, तो इसको लेकर पूरा मंथन किया जाएगा। उसमें पूरे कांग्रेस संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी रहेंगे, राहुल गांधी इसमें शामिल रहेंगे, सोनिया गांधी रहेंगी, प्रियंका गांधी रहेंगी, सभी शीर्ष नेता शामिल रहेंगे, तो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरा फोकस रहेगा। और साथ ही सिमिलरली समानांतर अगर बात की जाए तो भाजपा भी जो है मिशन 2023 और लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी जो है बूथ मैनेजमेंट पर जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों ही फोकस कर रही है। तो कुल मिलाकर अब 1.5 साल का वक्त रह गया चुनाव के लिए, तो उसके पहले दोनों ही पार्टियां जो है पूरी ताकत झोंकने में इस समय जुटी हुई है। तो बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां ताकत झोंकने में झुकी हैं। बता दें चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ से 4 नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, मुख्यमंत्री समेत 4 ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनका नाम शामिल है। स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे देख लेते हैं।